हेलो दोस्तों, तो क्या हाल? सब की आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, कई दिन के बाद वीडियो लेके आए हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे मलेशिया के वीजे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। तो जो भाई मलेशिया के अंदर है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे कि आपको भी पता है कि मलेशिया के अंदर इस वक्त जॉब की बहुत शॉर्टेज चली हुई है, जॉब नहीं है कहीं पर भी, जॉब वैकेंसी नहीं मिल रही। तो जो भी भाई जहाँ पर भी काम कर रहे हैं ना, अगर आपके आसपास में कोई जॉब वैकेंसी है, आप जहाँ काम कर रहे हो उधर कोई वर्कर की ज़रूरत है, तो कमेंट में नंबर डाल दे अपना, ठीक है ना, ताकि जिन भाई को जॉब चाहिए वो आपसे कांटेक्ट कर ले। अपना नंबर डाल देना, और देखो भाई अगर आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो उसमें मेरी जिम्मेवारी नहीं है, आप अच्छे से बात करें। अगर जॉब वैकेंसी आपको पसंद आए नहीं आए, आप जाके चेक करें, ठीक है ना। और गलत नंबर नहीं डाले मेरे भाई, अगर जॉब है तभी नंबर डाले ताकि किसी भाई का भला हो जाए और पैसे पुसे नहीं ले। क्योंकि जिन भाइयों के पास जॉब नहीं होती ना, और रूम पे बैठे होते हैं, एक तो उनके खाने के पैसे नहीं होते, रूम का किराया नहीं होता, तो आप अगर आप जॉब में उसकी हेल्प कर रहे हैं तो पैसे किधर से देंगे बेचारे। तो ऐसा काम नहीं करें, पैसे वगैरह नहीं ले अगर किसी की जॉब लगवा रहे ना। बाकी आप नंबर डाल दें, जिसकी भाई को भी चाहिए जॉब वो कॉन्टैक्ट खुद कर लेगा आपसे, इसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं भाई, ठीक है ना। और एक बात और मैं कहना चाहेगा, बहुत सारे भाइयों की कॉल आती है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं, जो भाई इंडिया जाना चाहते हैं वापस। मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियो बनाए हुए, वीडियो भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं बता देता हूँ, देखो जब एजेंट लेके आता ना मलेशिया के अंदर, एजेंट क्या करते हैं, वो पासपोर्ट ले लेते हैं, या तो उनसे पहले ही पासपोर्ट ले लेते हैं जिस टाइम वो बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, या फिर बॉर्डर क्रॉस करवाने के बाद पासपोर्ट ले लेते हैं। पहली बात तो अगर आप ट्रैवल वीजे पे आ रहे हैं ना मलेशिया में, एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, चाहे कैसे भी आ रहे हो, आप किसी भी एजेंट को अपना पासपोर्ट नहीं दें भाई, अगर आप ट्रैवल वीजे पे आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप कॉलिंग वीजे पे आ रहे हैं, आपका पासपोर्ट एयरपोर्ट पे ही ले लेंगे, जो कंपनी का आदमी जाएगा आपको लेने एयरपोर्ट पे ले लेंगे। बाकी अगर आप ट्रैवल वीजे पे आ रहे हैं, जैसे ट्रैवल वीजे पे जो एजेंट क्या करते हैं, 10-12 बंदे एक साथ लेके आते हैं, तो सबके पासपोर्ट ले लेता है, वो बोलता है कि मैं आपका परमिट भी लगवा के देगा, और आपसे अच्छी खासी पेमेंट ले लेता है, बाद में फिर वो आपको फंसा देता, आपकी जॉब भी नहीं लगती। और बहुत सारे भाइयों के तो मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, और आप कमेंट भी देख सकते हैं कि कितने भाइयों के पास जॉब नहीं मलेशिया के अंदर। तो सभी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करेगा, अगर आपको काम करना मलेशिया में तो आप ट्रैवल वीजे पे नहीं आए मेरे भाई, नहीं तो आप फंस जाएंगे इधर आके। इस वक्त मलेशिया के अंदर जॉब नहीं है, जिन भाइयों के पास परमिट है उनके पास भी जॉब नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आप एजेंट के बकाव में आके मलेशिया में आएंगे, फिर आपको रियलाइज़ होएगा कि विक्की भाई सही बता रहा था। जो भी मैं जानकारी देता हूँ सही मैं जानकारी देता हूँ, मैं ऐसे किसी को भी मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता मेरे भाई। मलेशिया के जो इस वक्त हालात है ये ठीक नहीं है। बाकी जो भाई आए हुए हैं मलेशिया के अंदर ऑलरेडी है काफ़ी साल से, या फिर वो इलीगल थे, या फिर जिन भाई ने परमिट लगवा लिए, और जो भाई इलीगल थे उन्होंने परमिट अप्लाई किए हुए हैं, उनके फिंगर हो रहे हैं, मेडिकल भी हो रहे हैं, और बहुत सारे एजेंट क्या कर रहे हैं जो 2023 में आए ना, उनके भी फिंगर करवा रहे हैं और मेडिकल करवा रहे हैं। बाकी उनके किस्मत के ऊपर है कि उनका परमिट लग के आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिंगर हो रहे हैं 2023 वालों के भी, और मेडिकल भी हो रहे हैं। और जो इन्होंने अनाउंस किया था रीसेलिब्रेशन प्रोग्राम, वो किया था जो 2022 में आए थे, इलीगल हो गए थे, या फिर 2022 से पहले आए हुए हैं। बाकी जो 2023 में आ रहे हैं इस वक्त ट्रैवल वीजे पे आके परमिट लगवा रहे हैं ना, उनका कोई भी भरोसा नहीं परमिट लग के आएगा कि नहीं लग के आएगा। बाकी वो किस्मत के ऊपर है, अगर आप मतलब आपकी कंपनी अच्छी है, आपका बॉस अच्छा है, उसकी जान पहचान मतलब उसकी अच्छे खासे लिंक है उसके इमिग्रेशन के अंदर, तब तो आपका परमिट लग के आ जाएगा। बाकी वो आपकी किस्मत है अगर लग के आएगा नहीं आएगा। और एक भाई की कमेंट आई हुई है, वो भाई बोल रहा है कि मैंने कंपनी में परमिट लगवा लिया है लेकिन कंपनी पैसे काट रही है। देखो भाई, अगर आपने कंपनी का परमिट लगवाया मलेशिया में इलीगल थे तो आपके लिए अच्छा हुआ है, आपके पास परमिट हो गया है, लेकिन क्या होता है कि कंपनी ने अगर पैसे दिए आपके परमिट लगवाने के लिए तो कंपनी पैसे काटेगी। क्योंकि अगर आप एक बार किसी कंपनी के अंडर आ गए ना, वो अपनी मर्ज़ी से आपको सैलरी देगी, और आपके जितने भी पैसे लगे होंगे वो पैसे काटेगी हर महीने, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका एग्रीमेंट हुआ ना 1 साल का 2 साल का 3 साल का, आपसे बात की होगी एचआर से, या फिर आपका जो भी बॉस है उससे बात हुई होगी, अगर कंपनी आपका परमिट लगवा के देती है वो आपके पैसे काटेगी।
हाँ, आप जिस वक्त अपना पासपोर्ट दिया है कंपनी को, आपने अच्छे से बात नहीं किया होगा ना, तो इसीलिए आप पछता रहे हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में अपना पासपोर्ट देते तो पहले अच्छे से बात करें कि मैं इतने साल तक काम करेगा, मुझे वापस फिर जाना है वैकेशन पे, या फिर मैं वापस नहीं आएगा या फिर आएगा। आप अच्छे से बात करते बॉस से, ठीक है ना। आप जिस भी कंपनी में अपने परमिट लगवाया है ना, आपने अच्छे से बात करनी थी। आप अभी बोल रहे हैं कि मैं कंपनी से कैसे भाग के जाएगा, आप कंपनी से ऐसे भाग के नहीं जा सकते भाई। एयरपोर्ट पे आपको पकड़ा जाएगा, आपको टिकट भी मिल जाएगी अगर आपका पासपोर्ट आपके पास है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर तो कोई चांस नहीं है, ऐसे नहीं भाग के जा सकते मेरे भाई। अगर आप ऐसे भाग के जाएंगे, आप पहली बात तो आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे कि पासपोर्ट बन जाएगा, पासपोर्ट बनाना इतना आसान नहीं है। इंडियन एम्बेसी में जाएंगे, वहाँ पर आपको पासपोर्ट बनना तो दूर, अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। वाइट पासपोर्ट बनवाएंगे, वाइट पासपोर्ट उन भाइयों के बनते हैं जो इलीगल है। आपके पास तो ऑलरेडी परमिट हो चुका है, अगर आप वहाँ पर जाके बोलेंगे कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, चोरी हो गया, वो आपका पासपोर्ट नंबर डालेंगे, कंप्यूटर में सारी डिटेल आ जाएगी, और उसके बाद वो आपकी कंपनी से कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको जेल भी हो सकती है, वो आपकी कंपनी को आपको सौंप देंगे। तो ऐसी गलती नहीं करें। आपका जब टाइम ख़त्म होएगा, आपने 2 साल के लिए 3 साल के लिए कंपनी से बात किया होगा कि मैं इतने साल तक काम करेगा, इतने साल तक आपको काम करना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हैं। आपका टाइम जब ख़त्म होएगा, आपकी कंपनी आपका पासपोर्ट दे देती है ना, उसके बाद आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे भाग के जाएंगे ना, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ठीक है ना। ऐसी गलती नहीं करें मेरे भाई। और एक भाई ये बोल रहा था कि ट्रैवल वीज़े पे आके यहाँ पर वर्क वीज़ा लग जाता है। नहीं लगता भाई, वर्क वीज़ा लग जाता है लेकिन टाइम लगता है। बहुत सारे बंदे 2-2, 3-3 साल से वेट कर रहे हैं, उनके परमिट लग के नहीं आए। जो नया ट्रैवल वीज़े पे आएगा उसका कैसे लगेगा? तो मेरी एडवाइस मानो, आप ट्रैवल वीज़े पे नहीं आए, अगर आपको काम ही करना है तो आप वर्क वीज़े पे आए, कॉलिंग वीज़े पे आए, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर आप ट्रैवल वीज़े पे आते हैं, आप इधर आके देखेंगे खुद प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में ये जानकारी थी। अगर आपको कुछ पूछना है प्लीज़ कमेंट करें, कॉल नहीं करें मुझे। जिन भाइयों के पास व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नहीं करें, मैं भी काम करता हूँ मेरे भाई। आप कमेंट करें जो भी पूछना है, मैं या तो वीडियो बनाएगा उसके ऊपर, या फिर आपको रिप्लाई देगा जब फ्री होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।